बच्चा पार्टी देखो भाई, बच्चा पार्टी देख। अरे पूजा में, और यहाँ पूजा पूरी है नीचे में, और यहाँ नाग मंदिर का मंदिर है शायद। चिकन पत्ते बैठ जा रहे। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। मैं आपका अपना भाई निखिल गुसार हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ियाँ पहाड़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, आप खुश रहो, जहां भी रहो मस्त रहो, भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी पर बने रहे। और तो दोस्तों, आज हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है थोड़ा घर से दूर, भाई मैं जा रहा हूँ कहीं पे, और आज पहले ही दिन हमारे गांव में पूजा है, तो उस पूजा में मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। बाकी यार, जहाँ से मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, यहाँ का नाम है ठेडार, पर यहाँ पे इतने सारे काफल खा रखे हैं ना, हमने बहुत काफल खाए। अब तो वो पेड़ भी काट दिए लोगों ने, लेकिन भाई जब बचपन में था ना, इतने मज़े करे यहाँ पे, भाई पूछो मत। तो अभी मैं चलता हूँ भाई। बाकी यार, कुछ ऐसा व्यू है भाई यहाँ का, अभी देखो चारों तरफ मेरे चारों तरफ जंगल है भाई, देखो, और आसमान देखो, और देखो बिल्कुल भी बादल नहीं है भाई, और जस्ट यहाँ से हिमालय दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत वो सामने, पर वहाँ पे बादल अभी दिखाई। सो सुबह सुबह का मौसम देखो भाई, इधर से बिल्कुल पैक हो रखा है आसमान देखो, और यहाँ पे भी देखो भाई पूरा पैक हो रखा है, मतलब धूप उतनी बिल्कुल भी नहीं है। और सामने अपना गाँव है जो कि वाकई में काफ़ी सुंदर लग रहा है, और सामने है तुंगेश्वर नीचे। अपने गांव में, और गांव का एरिया यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बाकी यार भाई, रास्ता बहुत ख़राब हो रखा है, पानी बहुत आ रखा है रास्तों में, तो कुछ ऐसा सीन है भाई। और बाकी ये देखो सामने अपना गांव, क्या प्यारा लग रहा है ना। ये देखो भाई खेत देख रहे हो, कितने प्यारे लग रहे भाई खेत। तो गाइस भाई, कैसा रास्ता हो रखा है यहाँ पे देखो, इतने पानी पानी है भाई पूरे रास्ते में, और फिसलन इतनी है ना, ओ नीचे तक देखो कैसा रास्ता है भाई। और यहाँ पूजा पूरी है नीचे में, और यहाँ नाग मंदिर का मंदिर है शायद, और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं, और थोड़ी देर में मिलते हैं वहाँ जाके, ओके। और ये थोड़ा अभी आपको व्यू भी दिखाते हैं यहाँ का। ये आजकल यहाँ पर गेहूँ हो रखे दिख रहे होंगे आपको थोड़ा थोड़ा। ये है हरी हरी नींब, रहती लाई लाई, ये उसको है, देख रहे हो आप, अभी अभी छोटे हो रखे हैं ये। और ये है बांज, हमारे मतलब पहाड़ में इधर बांज बहुत सारा होता है, और ये देख सकते हैं आप, इसको लेकवाल बोलते हैं, लेकवाल ये बिकता भी है यहाँ, मतलब लोग बेचते नहीं पर अब होते हैं। इन्हें रुक जा, मैं जानू। सो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं यहां पे पूजा वाले स्थान पे, जहां पे पूजा हो रही है। और अभी यार भाई, यहां पे गांव के दोस्त भी बहुत सारे मिल गए हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहां पे। बाकी यार अभी पूजा मतलब खाना वाना बन रहा है, थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे गांव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, यह इस मंदिर का नाम क्षेत्रपाल है, तथा इसे भूम्याल देवता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर गाँव में जब कोई विशेष कार्य होता है, तो सबसे पहले यहीं पर पूजा की जाती है, और उसके बाद उस कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। तो यह काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। वाली में क्या हो रहा है, और ये हैं गांव के लोंडे भाई, देखो फोन में ही घुसे रह रहे हैं, देखो ये बस गेम 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 गेम। चलो ये देखो भाई,
बच्चा पार्टी देखो भाई, बच्चा पार्टी देखो। मंदिर में अब पूजा होने लगी है और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, अच्छी तरीके से जो पूजा का, जिस तरीके से पूजा की जाए उस तरीके से यहाँ पे पूजा का कार्य शुरू हो गया है तथा अब सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये देखो पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छा प्रसादी है। तो भाई गांव में, गांव से मैं आ गया हूँ घर पे और खाना पीना भी हमारा हो गया है। तो जो वहाँ पे मंदिर था वो क्षेत्रपाल का मंदिर था, उस टाइम मैं आपको बता नहीं पाया, और भूमियाल के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा प्रसिद्ध मंदिर है गांव का। तो कुछ भी होता है गांव में, अच्छा कार्य होता है तो पहले पूजा वहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे बन गई भाई अपनी चाय, अब चाय पियेंगे, उसके बाद ठंडा हो रहा है भाई बाहर, मौसम बहुत ख़तरनाक हो रहा है, फटाफट से चाय भाई, बाहर इतना ख़तरनाक का मौसम और कहीं क्या बोले। वाह मज़ा आ गया चाय पी के।